अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय हमाद और आज बात करेंगे हम जो गन किया पाकिस्तान टीम ने और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में। सो शुरू करते हैं आज के एपिसोड। सो गाइस, बात करते हैं आज के मैच के बारे में। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अपने फॉलोअर्स और अपने फैंस के दिल और जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, भाई मेरी आप लोगों से सिंपल पाकिस्तान टीम से एक बात है कि भाई अगर तुम लोगों ने जीतना नहीं होता आस उम्मीद क्यों दिलाते हो? मोहम्मद रिजवान और चाचा खड़े होकर क्यों मार रहे थे अगर तुम लोगों ने जीतना नहीं था? क्यों एक दफा तुमने हमें उम्मीद दिलाई? सो बात करते हैं वार्नर और मार्श ने जिस तरह से सेंचुरीज की, उनका कैच ड्रॉप हुआ कल परसों। हमारी लास्ट वीडियो में भी हम बार बार कह रहे थे कि शादाब को ड्रॉप करो, उसामा को लेके आओ, उसामा को लेके, उसामा आया, उसामा ने कैच ड्रॉप किया और खैर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की और वो चलते रहे। गुड फॉर शाइन अप फ्री थी, उन्होंने आज 5 विकेट ली, शायद उनकी फॉर्म वापस आ गई। और बहुत ज्यादा टारगेट था क्योंकि टारगेट इतना था कि पाकिस्तान टीम तो पहले ही 350 से ऊपर हो जाए ढह जाती है, लेकिन क्योंकि पिच अच्छी थी, बैटिंग पिच थी और पाकिस्तान ने खुद चूज किया था कि ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग पहले करने का, सो पाकिस्तान में मेरे ख्याल इतना प्रेशर नहीं था। बाबर अगर हम बात करें अपनी बैटिंग लाइन की तो बॉलिंग हमारी गंदी है तो बैटिंग कुछ बेटर हो रही है, बाबर नहीं चल पा रहा, खैर है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने बहुत अच्छा खेला, दोनों जिस तरह से जा रहे थे लग रहा था कि काम बन जाएगा। चलो बाबर, फिर रिजवान और सऊद और चाचा ने आके, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे स्पिनर्स को पड़ती है उनके स्पिनर्स, इंडिया के स्पिनर्स हों ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स हों, वो विकेट्स पे विकेट्स ले लेते। जाम्पा ने आज सारी कीमती विकेट ली, बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की, चाचा की, मतलब सारी जो डाडी विकेटें थी जिन लोगों ने प्रेशर बॉलिंग टीम पे ऑस्ट्रेलिया पे बनाया था उनके विकेट जैम्पा ने ली। सो इस तरह का स्पिनर हमें क्यों नहीं मिलता भाई? और अभी मेरे ख्याल से कोई स्पेसिफिक चीज नहीं रही कि ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगी या पाकिस्तान जाएगी, हमेशा की तरह हम उसी दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि फलां हारेगा फलां जीतेगा तो शायद हमारा नंबर बन जाएगा, जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान टीम हमारे साथ करती है। सो गाइस आज दिल तो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, मतलब मैं क्या ही बात करूं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे। मेरे ख्याल से ये एपिसोड जो है वो यहीं पे कैंप पे इसका बंद करते हैं इस एपिसोड में, और कुछ भी नहीं रखा।